ज़्यादा नहीं, बस एक मैट की जरूरत होती है, तो आप भी ऐसा एक मैट ले लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं यार क्वाड्रिसेप्स से। सबसे पहले हम लोग क्वाड्स अपने स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, स्पेशली अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर्स के लिए क्या है कि आप एक वॉल के अगेंस्ट, बिकॉज बैलेंस करने में मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, तो वॉल के अगेंस्ट ऐसे हाथ रख के और अपने क्वाड को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, इसको होल्ड करेंगे ऐसे, होल्ड इट फॉर अराउंड 15 to 30 seconds। जब ये एक लेग हो जाए उसके बाद दूसरा लेग, जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ठीक हो जाए और आपकी बॉडी में अच्छा बैलेंस हो, उसके बाद आपको सहारे की जरूरत नहीं है यार। आप उसके बाद एक टांग अपनी ऐसे रखो, दूसरी टांग को ऐसे फोल्ड करो और ये ठीक है। सो ये होते हैं हमारे क्वाड्रिसेप के लिए जो स्ट्रेचिंग होती है। अब स्ट्रेच करते हैं हमारे हैमस्ट्रिंग। सो हैमस्ट्रिंग गाइस ज़्यादातर लोगों के स्टिफ होते हैं, तो हैमस्ट्रिंग को मैं ज़्यादा वो करूँगा कवर। इसके स्ट्रेचेस काफ़ी सारे होते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक होता है आपका, जिसमें आप अपने हाथों से अपने टोज को टच करेंगे। लेकिन गाइस जिसको लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो इसको ना करें, और जिसको नहीं भी है वो अगर स्टार्टिंग कर रहा है तो पूरा टोज टच ना करें। आप खाली इतने से स्टार्ट करें, अपनी बैक का ध्यान रखें कि बैक न्यूट्रल स्पाइन है, यानी कि आपको अपनी बैक आर्च नहीं करना है, बैक को न्यूट्रल स्पाइन रखना है। यानी कि अगर आप साइड से देखेंगे तो आपकी बैक कुछ आपको ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये देख लो आप, ये जो ऐसे ये जो ये हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, बैक स्ट्रेट रख के न्यूट्रल रख के ये, अगर आप स्टार्टिंग में इतना भी कर रहे हो तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर धीरे 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 आपको क्या करना है, इसको नीचे लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, और ये एक दिन टच हो जाएगा, ठीक है। सो इससे क्या होता है, आपके काफ से लेके आपके हैमस्ट्रिंग से लेके आपके लोअर बैक तक आपको हर जगह स्ट्रेच फील होगा, और आपको कम से कम होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड, इनिशियली नहीं। लेकिन स्टार्ट आपको क्या करना है, थोड़ा 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 नीचे जाएंगे, जब आप अच्छे से नीचे जा सकें उसके बाद इसको होल्ड करना स्टार्ट करें 15 से 20 सेकेंड, एंड देन ग्रेजुअली टू 60 सेकेंड्स। इसके अलावा गाइस हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग जो है और उनमें से एक ये भी है कि आप क्या करेंगे, अपनी नीज पर ऐसे आएंगे, या तो आप ऐसे नीज पर आ जाओ या फिर अपने फुट के ऊपर भी आप ऐसे रह सकते हो, और ये आपने अपना लेग ऐसे करा और आप अपने टोज टच करोगे। सो एक्चुअली ये आपका हैमस्ट्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होता ही है, थोड़ा बहुत आपका क्वाड्रिसेप भी स्ट्रेच होगा, आपका काफ भी स्ट्रेच होगा, सो इट्स अ गुड स्ट्रेचिंग ओवरऑल। तो आप क्या करोगे, अपना हैमस्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेच करोगे, इसको भी अपना होल्ड रखेंगे हम लोग कम से कम 15 से 30 सेकेंड, जैसे मैंने बताया इट्स अ स्टैटिक स्ट्रेचिंग। इसी तरीके से दूसरी साइड भी, अगर जिनको फुल स्प्लिट करना है उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। आज आप ऐसे कर रहे हो, कल को आप इसको ऐसे करोगे, सो स्टार्टिंग जो होती है फुल स्प्लिट की वो यहीं से होती है। सो अगर आप फुल स्प्लिट है आपका टारगेट तो आप इसको ज़रूर करें। अब गाइस नेक्स्ट स्ट्रेच देखते हैं, वो है हमारा बैक का। आपको अगर इसमें बताया बैक इंजरी है तो इसे आप नहीं करेंगे, अगर आपके बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं। इनिशियली आप इसे जब स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे, आपने अपना ये लेग ऐसे बेंड करा, हाथ इधर रखा, आप सिर्फ इतना स्ट्रेच करेंगे और इसको होल्ड करेंगे। आफ्टर सम टाइम इसे थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे, फिर और लास्ट में आप जब तक जितना स्ट्रेच हो सकता है, आप पीछे देख रहे हैं, ये इसे होल्ड करेंगे अराउंड 15 to 30 seconds। इसी तरीके से दूसरी साइड, जैसे वेट ट्रेनिंग का प्रोग्रेशन होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी जो और स्ट्रेचिंग की जो होती है वो प्रोग्रेशन के ऊपर होती है हर चीज़। तो आप इनिशियली थोड़े से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको प्रोग्रेस करें। सो अब आते हैं नेक्स्ट हमारी स्ट्रेचिंग लोअर बैक के लिए, वो होती है ये। इसे में गाइस आपको क्या करना है, इनिशियली आप सिर्फ ऐसे हाथ ही रखें, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको नीचे लेके जाएं जितना आपसे जाया जा सकता है, और लास्ट में आप अपना पूरा हेड नीचे टच करा देंगे। अब गाइस एक और होती है आपकी लोअर बैक के लिए स्ट्रेचिंग, और वो काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है, अगर आप वर्कआउट से पहले करेंगे तो वो भी अच्छा है। उसका नाम होता है बर्ड डॉग। तो अब गाइस बर्ड डॉग है उसका नाम है। गाइस ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि मैं कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये बहुत लोगों ने बोला कि सर ऐसे हमें एकदम हमारे लेवल पे आके समझाओ, तो एकदम आपके लेवल पे आके समझा रहा हूँ। कुछ
फैंसी नेम्स नहीं ले रहा हूँ, आप अगर इसको देख के एग्जैक्टली अगर ये भी करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि स्ट्रेचिंग किस किस तरह से होती है। सो नो फैंसी वर्ड्स, नो साइंटिफिक टर्म्स, आप इसमें आराम से सीख सकते हैं कि स्ट्रेचिंग किस तरीके से होती है। तो इसका नाम वैसे बर्ड डॉग है, तो नाम से तो खैर आपको क्या करना है, बट ये लोअर बैक की स्ट्रेचिंग होती है इससे भी, और ये लोअर बैक की स्टेबिलिटी के लिए भी होता है। तो आप मिरर में एक बार देख लें कि आपको जो लेग पीछे वाला स्ट्रेट है नहीं है, जब ये स्ट्रेट हो जाए उसके बाद अपना डायगनली जो आपका हैंड है उसको ऊपर लेकर आएंगे और सामने देखेंगे। इसको भी गाइस होल्ड करेंगे कुछ टाइम के लिए, एंड देन जो आपका दूसरा हाथ और लेग है डायगनली ऑपोजिट उसको होल्ड करेंगे। अब तीसरा जो हमारा लोअर बैक का स्ट्रेचिंग है गाइस, वो है हमारा ये। वही बात है गाइस, स्टार्टिंग में नहीं होगा, इनिशियली हो सकता है कि आपके हाथ सिर्फ यहां तक पहुंचे, कोई बात नहीं, यहां पर रखें, थोड़ा और आगे, फिर लास्ट में इतना, ठीक है गाइस। इसी का जो दूसरा फॉर्म है उसमें ये होता है कि आप अपने लेग्स रखते हो वाइड और अपने हाथ रखते हो ऐसे आगे, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रेचिंग फॉर योर लोअर बैक। लोअर बैक के लिए गाइस एक स्ट्रेचिंग और है, काफी अच्छी होती है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसको भी होल्ड करें कम से कम 15 टू 30 सेकेंड्स। अब गाइस थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं हम लोग अपना ग्लूट। तो ग्लूट की स्ट्रेचिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे लेटना है, अपनी नी ऐसे बेंड करी, दूसरे लेग के ऊपर रखा और लिफ्ट। इनिशियली अगर इतना भी हो रहा है ठीक है, बट धीरे धीरे आपको इसे ऊपर लेकर आना है, और चाहे तो अपने हाथ से अपने सपोर्ट ले लें, और इस तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। सो दैट मीन्स कि आपका ये ग्लूट स्ट्रेच हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ग्लूट, आई एम सॉरी, वेरी गुड स्ट्रेचिंग फॉर ग्लूट। सो ग्लूट्स आपके ये होते हैं गाइज, योर बट इधर होते हैं आपके ग्लूट्स मसल, इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी करेंगे। इसको भी कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे। अब गाइस ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप का एक और स्ट्रेच है, वो होता है ये। अब गाइस लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई है काफी, अब हम लोग थोड़ा सा अपर बॉडी स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम लोग हमारा पेक्टोरल्स एंड डेल्ट्स। सो दिस इज हाउ इट इज डन, होल्ड करेंगे वही 15 टू 30 सेकेंड्स। अब स्ट्रेच करेंगे हम लोग हमारे लैट्स, उसके लिए क्या करेंगे, अपने हाथ ऊपर लेके गए, दूसरे हाथ से इधर से होल्ड कर आपका एल्बो, और आपको अपने एल्बो को इस तरह पुश करना है और हाथ से ऑपोजिट साइड, तो आपको इधर स्ट्रेच फील होना चाहिए। अब हम लोग स्ट्रेच करेंगे हमारा बाइसेप्स और फोरआर्म। इसके लिए हमें क्या करना है, फोरआर्म सामने की तरफ फेस करा और अपने फिंगर से प्रेशर लेंगे नीचे, तो इससे हमारा बाइसेप्स और हमारा फोरआर्म और हमारी रिस्ट सब कुछ स्ट्रेच होता है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और ये ऐसे भी होता है। इसी का जो एडवांस फॉर्म होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें आप अपना जो ये पाम है इसको ऑपोजिट साइड फेस करोगे और आप ऐसे सामने देख के अपने हाथों से प्रेशर पुट करोगे फ्लोर के ऊपर, और कुछ टाइम बाद आप ये भी करोगे। सो दिस इज मोर एडवांस, अगर आपके रिस्ट में भी इतना स्ट्रेंथ नहीं